डिस्ट्रिक्ट रामबन के रामसू तहसील के गांव नील में रहने वाला एक परिवार प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत इंतजार में है कि कब उनका कच्चा घर पक्का बनेगा। इस घर के मुखिया अब्दुल राशिद भट्ट देख नहीं सकते और शायद उसी का फायदा कुछ लोगों ने उठाया। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मिलने वाली रकम गलत अकाउंट में डाल दी गई और अब ये अंधा बुजुर्ग दर दर की ठोकरे खा रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। जनाब नील रोजन बोहरदार पंचायत मे कमो ब्लॉक वालों बहुत गदर क्या कि मकान लोग लग वन मकान बना मकान बना मकान बना मे लोग मकान बना बहुत गरीब इंसान मे पन कफन मोल चंदस मे रोप पाँचा शठ सा तम सुन मे लगे तथा पलंदस पत् वो मे पोस त्रो पोस त्रो पोस त्रो लग वन हे त्रो त्रो आय सा तो पोस सो फोटो तुल मकानस तो पोस त्रो तम गई कथा लांग लम्बरस मज त्रो दोम किस सत गई लांग लम्बरस मज मे पाथ पोसा कह तमन बो वन बार बार मे दिव पोस मे कह सहार बो गरीब इंसान मे नजर बो नाबीना इंसान यम मे त्रो पोस बम बह कर अत मकानस बह कर पन सहार बह रोज गुजार कर तमो त्रो पोस कह मे कह कस सान बहुत एस सी डी रामबन बी डी ओ रामसू इन फरियाद करान कि मे त्रो यमो सा कोर मे सरासर गलत टोटली नाजायज इंसाफ बेइंसाफी कर्म मे नीश बह कड़क बहु बार बार ग आब इन मकानस अथ आबस मज रोजान इथे कर्न इन बहुत बार बार वनान कि दीव सा मे पोस बह सा कर पन रोज गुजार कह बह कर मकानस कह मानन कह सान कड़ कर वह कौर ग बहुत नाबना इंसान मे बिल्कुल अच्छा गाश कम नजर मोहनी चुम अवान बह कान बहुत मे गुजारिश यह कि बार बार कि मे दीव सा पोस पन एस सी डी रामबन बह गुजारिश कर कि मे ग पुन हक पात बह हक बे कौन दूर गशित अगर तूत तह कि टीम सूजन वोचन मे हालात क्या अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मुंदसर भाई का मलिक मुंदसर भाई का शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त हमारे पास आया और हमारे दुख को देखा और हमारे दुखों को जाना। आपने सुना कि अभी हमारा जो अंकल जी हैं ये बात कर रहा था कितनी नाइंसाफ़ी हुई है और कितनी गैरइंसाफ़ी हुई है। वो हर कोई मतलब पत्थरों को भी आंसू आ जाएगा जब इसकी फरियाद सुनता है, मगर अब ये इस परेशानी है कि इसकी दूसरे इंसानों को क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसको एक मकान दिया गया, बोला कि आपको हम मकान देंगे। इसके पास जो कुछ था कोई अपनों शपनों के लिए कोई रुपये 40-50,000-60,000 रखे थे वो सब उस पलंत शलंत में इसने ज़ाया कर दिए, सब खत्म कर दिए, उल्टा कर्जा हो गया। अब इसको कर्जा उतारने वाला भी कोई नहीं है तो ना इसको कोई पालने वाला है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ दिन गुजारा करता है, हमें खुद भी मकान टूटा है।